हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्कॉलर्स, आज आपका यूजीसी नेट जेआरएफ लॉ पेपर सेकंड शिफ्ट में होना है। पहली बात तो हमारी तरफ से आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। भाई जितने लोग भी एग्जाम दे रहे हैं, अच्छे से एग्जाम करके अपना पास करें। ये वीडियो है लास्ट मिनट टिप को लेकर के। जी हाँ, जो आपको बातें एग्जामिनेशन हॉल में ड्यूरिंग योर सॉल्विंग द पेपर आपको ध्यान में रखना है। आपको जैसे कि पता है कि आपके दो पेपर होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। एक पेपर वन है जो कि आपका जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड होता है। सेकंड पेपर आपका जो सब्जेक्ट लॉ पेपर होता है। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट पेपर है उसमें आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है जो जनरल पहले आपको सॉल्व करना होता है। जैसे कॉम्प्रिहेंसिव लोग कहते हैं इसको नहीं आपको सॉल्व करना, लेकिन मैं कहता हूँ आपको पैसेज से 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन बनता है जनरली। 5 आपको ये आराम से मिल सकते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या मैथमेटिक्स आपकी अच्छी खासी है तो आप इन सीरीज को क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, लॉजिकल रीजनिंग अगर आपने पढ़ रखी है देन गुड। यहाँ से भी डाटा इंटरप्रिटेशन लोग कहते हैं छोड़ दो, मैं कहता हूँ इसको करो, यहाँ से आपको क्वेश्चन इजिली मिल जाता है। देन आईसीटी आप करें, ठीक है। इसके बाद का सिक्वेंस आप अपने अनुसार बना सकते हैं। लीगल रिसर्च वगैरह आप खुद क्वेश्चन अगर आपने पढ़ रखा है, टीचिंग एप्टीट्यूड अगर पढ़ रखा है तो इससे क्वेश्चन कीजिएगा। स्वयं मूक, स्वयं प्रभा, ये सबके बारे में आपको जानकारी होगी ही होगी। दूसरी बात, जो रिसर्च एप्टीट्यूड है, यहाँ पर अगर आपने अच्छे से अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में ये सारी चीजें पढ़ी हैं देन गुड, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन इन सबको लास्ट के लिए रखिएगा। कम्युनिकेशन बीच में कीजिएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि कम्युनिकेशन ज्यादा टफ है नहीं। या फिर जब हम क्लासेस करवाएंगे आपकी तब आप उसमें पाएंगे ये सारी चीजें, ठीक। अब आप रुख करते हैं पेपर टू की तरफ। देखिए, जो लॉ है इसमें आपको सबसे पहले बड़े बड़े मेजर सब्जेक्ट्स को उठाना है, जैसे ज्यूरिसप्रूडेंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, पीआईएल हो गया, और आपका लॉ ऑफ क्राइम्स हो गया, लॉ ऑफ टॉर्ट से भी क्वेश्चन बनेगा, कॉमर्शियल छोड़ दीजिएगा, एनवायरमेंटल अगर आपने कुछ पढ़ रखा है देन गुड, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। बात के लिए आईपीआर बहुत छोटा सा है, इसमें अगर आपने पढ़ रखा है देन देर कर लीजिएगा। कंपेरेटिव में आप ये बात ध्यान रखिएगा, रूल ऑफ लॉज, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल एक्टिविज्म, अकाउंटेबिलिटी, ये जो टॉपिक्स हैं जनरली, ठीक है, इन टॉपिक्स को। तो सबसे पहले आपको लॉ के पेपर में क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि जो भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको सॉल्व आउट करना है, या जो आप जुडिशरी वगैरह में पढ़ते रहते हैं सब्जेक्ट्स, जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको सॉल्व आउट कर लेना है। फिर जैसा टाइम वैसे वो चीजें, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट वगैरह है, क्या कहते हैं, पार्टनरशिप एक्ट वगैरह, बहुत छोटी छोटी चीजें आती हैं, सेक्शंस नहीं याद रहते, आप उन सबको लास्ट के लिए छोड़ दो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दिस इज द लास्ट मिनट टिप फॉर द एग्जामिनेशन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन।